वेलकम स्टूडेंट तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे गूकार्ड के फ्रेम को तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम स्टैटिक स्ट्रक्चर पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रक्चर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंजीनियरिंग डेटा में जाकर मटेरियल को चेंज कर सकते हैं बट हमें सिर्फ एक एनालिसिस देखना है कि किस तरीके से एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर हम मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहे हैं इन फ्यूचर अगर आप मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू चेंज इंजीनियरिंग डेटा और हाउ टू चेंज मटेरियल वहां से जाकर आप मटेरियल को एड कर सकते हैं तो यहाँ पर जोमेट्री पर हम राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन को इम्पोर्ट कर लेंगे

तो यहीं पर हमें लोडिंग कंडीशन अप्लाई करनी है क्योंकि मैक्सिमम लोड जो हमारा तो जो भी पर्सन इस पर बैठेगा उसका जो लोड होगा वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अभी हम यहाँ पर सारे पार्ट्स को हटा देते हैं जिनकी हमें एनालिसिस में ज़रूरत नहीं है ये देखिएगा तो यहाँ से मैंने मैक्सिमम मटेरियल्स को हटा दिया है इसके बाद ये जो लीवर बचा है पैडल का ब्रेक के लिए इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर ये इसको भी हम सुप्रेस कर देंगे और इसके बाद ये जो रॉड है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको भी सुप्रेस कर देंगे एज वेल एज़ ये जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप है इसके भी हमें एनालिसिस में ज़रूरत नहीं है इसको भी हम हटा देंगे तो यहाँ से भी हम इसको सुप्रेस कर देते हैं तो ये है आपकी चेचेज और इसके बाद हम यहाँ पर लोडिंग कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पर हमारी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम होगी तो चलिए इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे मैशिंग पर और मैश जनरेट कर लेंगे तो ये हमारी मैश जनरेट हो चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैशिंग इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है आप चाहें तो यहाँ से मैशिंग को कोम्प्रूव कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग साइजिंग और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैथड है जिनको अप्लाई करने के बाद आप मैशिंग जनरेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने बाउंड्री सेलेक्ट कर ली है बॉडी ये पूरा सिलेक्शन हो गया है इसके बाद डिफॉल्ट एलिमेंट साइज में मैं लिख रहा हूँ टेन एम mm, एम यानी मैक्सिमम एलिमेंट साइज ऑफ टेन एम एम तो राइट क्लिक करेंगे जनरेट मैश पर क्लिक करेंगे ताकि मैश जनरेट हो जाए तो यहाँ पर हमने मैशिंग को थोड़ा सा रिफाइन किया है ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिले ये देखिएगा अब मैशिंग पहले से आप बेटर हो चुकी है इसके बाद हम लोडिंग कंडीशन लगाएंगे यानी कि फिक्स सपोर्ट लगाएंगे वहाँ पर जो कि हमारे टायर से कनेक्टेड रहती हैं तो हम इसलिए जूम कर लेते हैं इसको और जूम करने के बाद यहाँ पर हमें फिक्स कंडीशन लगानी है तो यहाँ पर मैंने स्टैटिक स्ट्रक्चर पर क्लिक किया इंसर्ट में गया और फिक्स सपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला क्लिप है और एज़ वेल एज़ ये क्लिप है आप ये फेसिस सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप ये होल सेलेक्ट कर सकते हो ये जो अंदर की साइड है क्योंकि यहीं पर आपकी रॉड लगी होती है जो कि टायर से कनेक्टेड रहती है यानी एक तरीके का हब जो हम बनाते हैं टायर के लिए वो कनेक्टेड रहता है तो यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर लिया है दोनों साइड से एज वेल एज जो जो पीछे का जो टायर होता है वो हमारा यहाँ से कनेक्टेड रहता है इस होल से तो हम यहाँ पर इसको फिक्स कर लेंगे लाइक like दिस और यहाँ से हम इसको फिक्स कर लेते हैं तो ये यह हमने यहाँ से फिक्स कर लिया इसको तो ये हम फिक्स कर चुके हैं इसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर नेक्स्ट हमारा यहाँ से फिक्स होगा तो ये देखिएगा हमने सेलेक्ट कर लिया है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ से और यहाँ और यहाँ फोर प्लेसेस से हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है और फिक्स कर लिया है यानी कि और इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये यह यहाँ से फिक्स हो चुका है फिक्स होने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी रुकी हुई होती है और उस पर कोई लोड हम अप्लाई करते हैं या फिर कोई पर्सन बैठता है तो मैक्सिमम लोड हमारा इन चार पोजीशंस पर ही होता है क्योंकि जो हमारी रॉड होती है टायर की वो इन्हीं से कनेक्टेड रहती है तो इसलिए हमने यहाँ पर लोडिंग कंडीशन अप्लाई कर दी है इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको होल्स दिख रहे होंगे फोर यहीं पर हमारी जो सीट है यानी सिटिंग पोजिशन है वो अप्लाई रहती है तो हम यहाँ पर लोडिंग कंडीशन लगा सकते हैं हम राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा फोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये यह जो होल्स हैं ये मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखिएगा ताकि आप सारे होल्स को सिलेक्ट कर पाएँ तो ये देखिए चारों सेलेक्ट हो गए हैं इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा मैग्नीट्यूड का तो यहाँ पर आपको लोड लगाना है आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा केजी में जो आपका लोड है यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको न्यूटन में लगा दे रहा हूँ आप चाहो तो उस के जी वाले पर्सन जो आपका वेट है सपोज एट्टी के जी का कोई पर्सन यहाँ पर सिट करता है तो आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिएगा पहले आपको जो लोड लगाना है यह देखिएगा यहाँ पर वाई की नीचे ये वाली जो हमारी एक्सेस है ये y है यानी नीचे की डायरेक्शन में लगाना है तो आपको यहाँ से वेक्टर को चेंज करना होगा और कंपोनेंट में जाना होगा और कंपोनेंट में जाने के बाद आप ये देखिएगा वाई कंपोनेंट में लोड लगाएंगे तो वाई एक्सिस में हम यहाँ पर 200 लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो ये देखिएगा हमारा लोडिंग कंडीशन लग चुकी है मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ लोड की ये देखिएगा एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी लोड हमारा नीचे की डायरेक्शन में लग चुका है तो हमारी फिक्स सपोर्ट भी लग चुकी है लोडिंग कंडीशन लोडिंग कंडीशन भी लग चुकी है तो चलिए इसके बाद हमें जो रिजल्ट में देखना है उनको हम इंसर्ट कर लेते हैं तो सॉल्यूशन पर जाएंगे आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर टोटल डिफॉर्मेशन सिलेक्ट कर लेंगे एज वेल एज फिर से इंसर्ट में जाने के बाद आप स्ट्रेस सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप स्ट्रेस देखना चाहते हैं तो और इसके बाद आप यहाँ पर सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे और सॉल्व पर क्लिक करेंगे सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा तो सॉल्यूशन डन हो चुका है इसके बाद आप टोटल डिफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो ये है डिफॉर्मेशन के रिजल्ट जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्योंकि तो हमने इसको यहाँ से यहाँ से और यहाँ से फिक्स किया है तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यही होगी आप ये देख सकते हैं यहाँ ये ब्लू कलर का रीजन है यानी यहाँ पर कोई भी लोडिंग कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है वैसे भी यहाँ पर कोई ज्यादा लोड लगता नहीं है आपके जो फीड होते हैं सिर्फ यहीं पर वो रेस्ट करते हैं और यहीं पर आपके जो पैडल के जो एक्चुएटर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं तो लोडिंग की वजह से जो सबसे ज्यादा टूटने के चांसेस होते हैं वो यहां पर होते हैं मिडिल से मैं क्रैश को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्रैश करने पर तो यही चीज आपकी सबसे पहले टच होगी अगर आप फ्रंट से क्रैश करते हैं गूकार्ड को तो ये यह यहाँ से डैमेज हो जाएगा बट अगर आप लोडिंग कंडीशन की वजह से चेक करना चाहते हैं कि कोई हैवी पर्सन अगर किसी छोटी गूकार्ड पर बैठ जाता है तो वो यहीं से टूटेगा तो यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आप एनिमेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्ले पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एनिमेशन शो हो जाएगा यानी जो आपकी गो कार्ट है वो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगी लोडिंग कंडीशन अप्लाई करने पर ये वायर फ्रेम के रिजल्ट है ये देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगी ओके तो ये आपकी डिफॉर्मेशन के रिजल्ट है तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड